अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे गुर्दे कलेजी मसाला। इसके लिए हमें चाहिए ये 300 ग्राम्स। हमने गुर्दे कलेजी लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस करके मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। ये 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज है। ये थोड़ा सा गरम मसाला है साबित, और थोड़ी सी कोथमीर और 3 से 4 हरी मिर्ची है। चलिए बनाते हैं। तेल डाला है मैंने, अब इसमें हमारे साबित मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे हम। अब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें गुर्दे कलेजी ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कोथमीर, हरी मिर्च। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 कप थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैंने डिश आउट कर लिया है गुर्दे कलेजी मसाले को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।